राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने कहा कि अररिया में ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बल्कि स्थानीय विकास ही एक मुद्दा है। साथ ही उन्होंने राजद को जनता का सदैव समर्थन मिलने की बात कही। डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने शाहनवाज आलम से चुनाव के मुद्दों पर खास बातचीत की। हम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीमांचल के गांधी के नाम से मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे हैं और शाहनवाज हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। शाहनवाज साहब, सीमांचल के गांधी के बेटे आप हैं, पिताजी के नाम का कितना फायदा मिल रहा है? हम हो या हमारे परिवार को लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलता रहता है और मैं समझता हूं कि इस बार भी हम लोग को मिलेगा। आपकी पार्टी का प्रमुख जो मुद्दा है, संविधान बचाओ, जाति जनगणना या फिर बेकारी, नौकरी, ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे अररिया में कितना प्रभावी हैं, इस कितना रंग ला रहा है? ये प्रतिवर्ष बिहार में जो है अररिया में फ्लड आता है, बाढ़ आता है, नेपाल से पानी आता है और किसानों को तबाह करके चला जाता है। स्थायी निदान तो दूर की बात है, इसके लिए कोई पहल जमीन पे आज तक नहीं देखा। जो है लोग पलायन होने पे विवश है। छोटे मोटे कल कारखाने कहीं नहीं दिखेंगे आपको ताकि हम पलायन रोक सके। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए एकमात्र ट्रेन है जो सीमांचल एक्सप्रेस है। ओवैसी साहब जो है किशनगंज में लगातार कैंप कर रहे थे, उनकी पार्टी से आप जीते, फिर आरजेडी में वापस अपने घर में आए, क्या लगता है कि ओवैसी साहब का मौन समर्थन प्राप्त है आपको, क्योंकि उन्होंने यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया? नहीं, देखिए जो अच्छी चीजें होती है तो उसको सभी लोग समर्थन करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज आलम, जो राष्ट्रीय जनता दल के अररिया से प्रत्याशी हैं। कैमरामैन ललित के साथ अररिया बिहार से मैं राजेश राज।